मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है वो चेंज जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती। जैसे वाटर को हमने कंडेंस किया तो क्या होगा, आइस बन जाएगा, और आइस को हमने अगर हीट कर दिया तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गैस को कंडेंस करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को और ज़्यादा कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे, मतलब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ अ फिजिकल, यानी दो सारे चीज़ें एक दूसरे में इरिवर्सिबल है, यानी एक दूसरे में चेंज हो रही है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस, अगर किसी रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जा रहा है, कुछ नया बन जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज। एज फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ टेबल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक्सेट्रा, यानी कुछ नया बन जाएगा। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड एस बन जाता है, लेकिन एस से क्या हम दोबारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज होने में चेंज होता है तो जो सब्सटेंस होता है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, आइडेंटिटी को लॉस करके कुछ नया बना देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में होने में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। नेगन डेफिनेशन के भी यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर आइडेंटिटी एंड नेचर एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड केमिकल चेंज, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन दिस प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यानी हम शॉर्टकट में देख सकते हैं कि न्यू सब्सटेंस अगर फॉर्म्ड हो रहा है तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, किसी भी रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, ये हम पहले समझते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज़ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट वो होता है, यानी दो सब्सटेंस विच रिएक्ट टुगेदर, यानी वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ रिएक्टेंट, और वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करने के बाद फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे रिएक्शन कोई ले लेते हैं, हमने ले लिया मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कौन रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट क्या होगा, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट हो गए। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद जो बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे लेड नाइट्रेट दे रखा है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर, कौन रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो ये क्या हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ रिएक्टेंट। और इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, तो लेड आयोडाइड बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, तो जो बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन एंड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सपोज करो कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, जब आपका फिर से देख लो तुम रिएक्शन कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज़ रिएक्ट विद वाटर। अब अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो कौन रिएक्ट कर रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाओ। और क्या बन रहा है दोनों के रिएक्शन के बाद, तो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट। तो यानी रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्शन के बाद बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहला, रिएक्शन होगी तो पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट बने, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा कुछ प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट होगा, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, कोई गैस इवॉल्व होगा, या फिर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो, जैसे वो सॉलिड से गैस में हो जाए, लिक्विड से गैस में हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में हो जाए, लिक्विड से गैस में हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर ही चेंज हो जाए। यानी पहले हमने जो टेस्ट ट्यूब ली थी वो हीट नहीं थी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुई, जैसे दो रिएक्टर आपस में मिक्स हुए, बिना हीट के टेस्ट ट्यूब हीट हो जाएगी, तो या फिर कूल हो जाएगी, तो टेम्परेचर में चेंजेस हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन की, पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सेकंड होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड होता है चेंज इन कलर, फोर्थ होता है चेंज इन स्टेट, एंड फिफ्थ होता है चेंज इन टेम्परेचर। अब अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर रिएक्शन को अगर हम डिवाइड करते तो इट विल बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट दैट इज़ अ एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक।
तो पहले हम समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक क्या होता है। ये है आपका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती, इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सपोज करो दो रिएक्टेंट हमने लिए, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, ठीक है, पहले वाले रिएक्टेंट को, और दूसरे रिएक्टेंट को इस टेस्ट ट्यूब में हम ऐड कर रहे हैं, और ऐड करते ही क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जा रही है, हीट हो जा रही है, ये टेस्ट ट्यूब हीट हो जा रही है, छूने पे हमें गर्म लग रही है बिना हीट किए, ठीक है। तो बिना हीट किए अगर टेस्ट ट्यूब हीट हो जा रही है तो इट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो क्यों एक्सो, क्योंकि हीट इवॉल्व हुई। एंडोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक में क्या होगा कि ये जो होगा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक में रिलीज हो रही थी, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होगी। होगा क्या, सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें हम कोई रिएक्टेंट R1 डाल दिया, रखा हुआ ऑलरेडी, हमने जैसे ही दूसरे रिएक्टेंट को इसमें ऐड किया, ये टेस्ट ट्यूब क्या होगी, ठंडी हो गई, बिना ठंडी किए, बिना ठंडा किए, बिना कूल किए, ये ठंडी हो गई, कूल हो गई ये टेस्ट ट्यूब। मतलब इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक पहला एग्जांपल तो हम यही देख लेते हैं कि हम लोग घर में पेंटिंग करते हैं तो चूना लाते हैं, चूना मतलब क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ क्विक लाइम, इसी को हम चूना बोलते हैं। जिसमें जैसे ही हम, जैसे सपोज कर एक बकेट लिया, उसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, क्विक लाइम डाल दिया, दैट इज़ कॉल्ड अ चूना, या फिर क्विक लाइम, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें जैसे ही हम वाटर को ऐड करेंगे, वाटर के ऐड करते ही क्या होगा, यहाँ से बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, हीट निकलने लगी, गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या, बिना हीट के ये बकेट गर्म हो गया, इसका सॉल्यूशन गर्म हो गया, इट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, उस टेस्ट ट्यूब में हमने इसमें लिखा डाल दिया जिंक के पीसेस, और जिंक के पीस डालने के बाद इसमें ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म क्यों होगी, हमने इसे हीट तो किया नहीं, बिना हीट किए गर्म हो गई, इट मीन्स इसमें क्या मतलब हुआ, हीट इवॉल्व हुई। ये किस रिएक्शन का, किसका एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमने कहा एंडोथर्मिक में बिना कूल के टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी, इट मीन्स एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सपोज को टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने ऐड कर दिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जैसे अमोनियम क्लोराइड इसमें जाता है तो होता क्या है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड बनता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ये जो टेस्ट ट्यूब होती है ठंडी हो जाती है, बिना ठंडी के, बिना कूल के ये कूल हो जाएगी, इट मीन्स ये कूल हो गई बिना कूल किए हुए। इसका मतलब दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर कि कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, टाइप ऑफ रिएक्शन की बात नहीं मैं कर रही हूँ, अब ये अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर बता रही हूँ कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होने के अकॉर्डिंग, या फिर हम बोलते हैं रिलीज, या फिर एब्जॉर्ब होने के कारण जो टेम्परेचर होता है, टू टाइप का होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब आती है कैसे बैलेंस करेंगे इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। तो सपोज करो, पहले तो समझ लो, बैलेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ, जैसे सपोज करो कोई कंपाउंड दे रखा है, अगर कार्बन इधर 1 है तो लेफ्ट प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 ही होना चाहिए, तब जाके वो रिएक्शन बैलेंस होगी। तो बैलेंस करने में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी फॉर्म होने चाहिए, उस वो एलिमेंट होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम सिंपल लिखा भी हुआ है, नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, बनता क्या है, अमोनिया बनता है। अब एक चीज़ चेक करो, ये रिएक्शन, अब बैलेंस करना, हमने कहा जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट होने चाहिए उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे चेक करो, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, आगे नंबर लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चेक करो, 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, इधर भी हो गया 2।
अब जो आगे हम नंबर लिखते हैं उसका मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट में होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3, और यहाँ पे आगे नंबर 2 लिखा हो तो 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, यानी हाइड्रोजन कितने हो गया 6, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, 2 है इधर 6 है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो चेक करो कि बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ, नाइट्रोजन 2 है यहाँ नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है यहाँ भी हाइड्रोजन 3 2 जा 6 है, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसके अलावा और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा इसमें दे भी रखा है मेथेन, दे रखा है सी एच, एक मिनट, मेथेन दैट इज़ कॉल्ड सी एच फोर इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लिख लेते हैं, एनर्जी रिलीज होती है कोई भी कंबंशन, कंबंशन का मतलब होता है जलना, अगर कोई भी चीज़ जलती है तो तुम लोग देखते हो किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ चलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, वाटर प्लस देखो बहुत ज़्यादा एनर्जी में हीट निकलती है, तो किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं कौन से कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स, तो कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हीट जलाओगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। पहले तो अब हम चेक करें कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, यहाँ कार्बन कितना है 1 है, इक्वल है। चलो ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन चेक कर लें, हाइड्रोजन ही चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो हम क्या करें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है रिएक्टर में, प्रोडक्ट में चेक करो, 2 तो यहाँ है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो 2 का 2 आगे लिखा हुआ, यानी इस नंबर का ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मल्टीप्लाई किया 1 था ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया, यानी 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट में देखो 2 है, तो हम क्या करें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके का मतलब कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो एक इसमें तो दे ही रखा है, इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लेते हैं क्विक लाइम ही ले लो, क्विक लाइम इज रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म बोला मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, चलो ये बन गया। अब हमें चेक करना रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, ठीक है, यहाँ कैल्शियम कितना 1 है, यहाँ कैल्शियम कितना 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे होल ट्वाइस है, यानी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज करो हमने C2H5OH लिए, दैट इज कॉल्ड एथिल अल्कोहल इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन कितना है 2 है, यहाँ 1 हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन चेक करना, यहाँ 5 और 1 6 है, यहाँ पे कितना है 2 है, हम क्या करें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जो 6 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो बैलेंस है या नहीं है, प्रोडक्ट में 4 2 2 जो 4 और 3 7 है, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ 3 है, अब हम क्या करें, क्या हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ क्या हो गया 3 2 जो 6 और 1 7, इधर भी 7 इधर भी 7, रिएक्शन बैलेंस, यानी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शंस कितने रिएक्शंस हमारी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं पूछा, नॉर्मली अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पूछेगा तब तुम एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक लिखोगे, लेकिन सिंपली अगर कहता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए तो आप यही लिखेंगे जो आपको मैं बता रही हूँ। तो टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती है बहुत सारे टाइप की होती हैं, फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन, सेकेंड होता है डिकम्पोजिशन, थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ होता है प्रेसिपिटेशन, सिक्स होता है न्यूट्रलाइजेशन और सेवन्थ होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें से आज हम केवल 2 देखेंगे, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब जॉइंट होगा, कंबाइंड होगा, यानी व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड होना, यानी वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम इसको डेफिनेशन में भी लिखते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट इज कंबाइंड विद ईच अदर देन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो रिएक्टेंट कितना है 2 है,
प्रोडक्ट कितना है, वन है, यानी दैट इज अ कॉम्बिनेशन, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो गए, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे देखो, कार्बन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट कितना है, टू है, प्रोडक्ट कितना है, वन है, यानी दो रिएक्टेंट कंबाइंड और प्रोडक्ट आपका हमेशा सिंगल मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी रिएक्टेंट कितने, टू है, और प्रोडक्ट कितना मिला, वन मिला। तो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, एक और थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड देन फॉर्म अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अभी तुम लोग ये बोलोगे कि कैसे हुआ ये मैम, आपने तो बोला था कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। यहाँ तो रिएक्टेंट टू कंबाइंड हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट हमारा टू मिल रहा है, जबकि आपने बोला था प्रोडक्ट तो सिंगल मिलना चाहिए। तो बेटा देखो, ये कैसे होगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन अवेलेबल है या कार्बन डाइऑक्साइड समझ लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, CaCO3 बना रहा है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड में अवेलेबल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक ही रिएक्टेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो रहा है तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेम से ही पता चला, डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना। अगर जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, किसी चीज़ का टूटना, ठीक है। तो ये ब्रेक होना होता है, ब्रेक का मतलब होता है यानी डिकम्पोज होना। डिकम्पोज में क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि वो रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट ब्रेक होकर के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल हमने दिया हुआ, जैसे ये आपका दे रखा है लेड नाइट्रेट, रिएक्टेंट कितना, सिंगल है, प्रोडक्ट देखो लेड ऑक्साइड भी मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिला, ऑक्सीजन मिला। देखो एक ही प्रोडक्ट है, सॉरी एक ही रिएक्टेंट है, लेकिन ये ब्रेक होकर के क्या कर रहा है, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन समझ लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती हैं। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, दूसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तीसरा आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि ब्रेक हो जाएगा रिएक्टेंट, ब्रेक होकर टू और मोर देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो दैट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल कह रहा है, थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब होता है हीट, ही मतलब किसी भी रिएक्टेंट को अगर हीट करके, कोई भी रिएक्टेंट अगर हीट करने पर ब्रेक हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी हीट करेंगे तब जाकर के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला एग्जांपल देखो, जैसे FeSO4.7H2 है, दैट इज़ कॉल्ड अ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रॉल। इस ग्रीन विट्रॉल को जब हम हीट करते हैं तो देखो रिएक्टेंट तुम्हारा एक ही है, प्रोडक्ट क्या हुआ, फेरस सल्फेट अलग हो गया, वाटर अलग हुई, प्रोडक्ट दो बन गए। अब सिंपली अनहाइड्रेट फेरस सल्फेट को अगर हम और हीट करते हैं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये आपको रेडिश ब्राउन कलर का मिलता है और इसे हम रस्ट भी बोलते हैं, रस्टिंग पर्स होना है ना, रस्ट जो पाउडर बनता है आयरन का, रस्टिंग के बाद जो मिलता है ब्राउन कलर का, दैट इज़ कॉल्ड अ रस्ट। तो ये क्या, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो से ज़्यादा, डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, हीट करने की वजह, डेल्टा का मतलब हीट करने की वजह से, हीट करने की वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये और एग्जांपल है, जैसे कॉपर सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखो रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिल गया, डिकम्पोजिशन हो गया, लेकिन किसकी वजह से, हीट की वजह से हो तो दैट इज़ कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
एक और एग्जांपल दैट इज कॉल्ड अ पोटेशियम क्लोराइड को भी अगर हीट करते हैं तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस. ये भी हीट की वजह से रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोज. जिंक कार्बोनेट को भी हीट कर रहे हैं तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी हीट की वजह से डिकम्पोज है, दैट इज कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक. देखो इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कोई रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज होता है, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट हमेशा एक ही रहेगा, प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा बन जाएगा. लेकिन किसकी वजह से डिकम्पोज हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं जब वाटर पे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. तो रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो बन रहा है, दो से ज़्यादा भी बन सकता है. किसकी वजह से ये रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बजाए. यानी कोई भी सब रिएक्टेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl भी अगर हम लेते हैं मोल्टन स्टेट में ले लेते हैं NaCl को, तो सोडियम क्लोराइड को जब मोल्टन स्टेट में लेते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम मैटर एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व. रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो बना, डिकम्पोज हुआ मतलब रिएक्टेंट. किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ. नेक्स्ट एग्जांपल होता है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अभी हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी भी पास कराएं देन इट विल बी कन्वर्ट एल्यूमिनियम. रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो बन गया. किसकी वजह से बना, इलेक्ट्रिसिटी की. इट विल बी कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड लास्ट दैट इज कॉल्ड अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटो का मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में. अगर कोई कंपाउंड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जांपल जैसे आपको दे रखा है सिल्वर क्लोराइड है. सिल्वर क्लोराइड को अगर हम रख देते हैं सनलाइट के HNU मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिल्वर एंड क्लोरीन गैस. तो देखो रिएक्टेंट क्या है, एक है, प्रोडक्ट कितने में, दो या दो से ज़्यादा मिल सकते हैं. किसकी वजह से ब्रेक हुआ, सनलाइट की वजह से. तो दैट इज़ कॉल्ड अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट आपका जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी सनलाइट के प्रेजेंस में रखें देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन. और ये जो तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, इसका यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं. देखा होगा जो नेगेटिव पहले ज़माने में फ़ोटो बनती थी तो नेगेटिव से बनती थी. उस नेगेटिव को अगर हम धूप में रख देते थे ना, तो वो उसका कलर फेड हो जाता था. क्यों? क्योंकि उस फोटोग्राफी का जो प्लेट नेगेटिव बोलते थे उस समय, नेगेटिव जो होता है उसको अगर हम धूप में रख देते थे ना तो वो फेड हो जाएगा. तो उसमें जो पिक्चर्स होते थे ना वो फेड होने लगते थे. तो क्यों? क्योंकि उसमें सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड प्रेजेंट होता था और वो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक हो जाता था.